वेलकम टू द ब्लॉग गाइस। सो आज है सैटरडे नाइट और हम चाह रहे हैं डिनर करने के लिए। हम आपको ब्लॉग में दिखाएंगे कि हम कहाँ गए। सो मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड हम लोग निकल चुके हैं। रूना गई है गाड़ी लगाने के लिए और हम आ चुके हैं। ये मैंने दे दना दन भी चेक किया था वैसे, बट आज हम जाएंगे मेड फायर नेशन। बाबी की नेशन भी दिख रहा है, हम जाएंगे और अंदर दिखाएंगे आपको क्या क्या है। यहाँ पे KFC का आउटलेट भी दिख रहा है। सो एंट्रेंस पे हमने पे किया और हमने अपना बैंड पहना। उसके बाद हमें ऊपर आना पड़ा क्योंकि नीचे के टेबल्स खाली नहीं थे, तो हमें ऊपर बैठना पड़ रहा है। चलो हम ऊपर से कैप्चर करेंगे नीचे का। उन्होंने बोला नीचे खाली होने के चांसेस नहीं है। सो गाइस, इट्स अ प्योर वेज बुफे काइंड ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे आपको सारे वेज ऑप्शंस मिलेंगे और मॉकटेल्स के भी ऑप्शंस मिलेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। मॉकटेल भी आप अनलिमिटेड ले सकते हैं। इसमें से ये चार ऑप्शंस थे तो हमने अभी फिलहाल के लिए दो सेलेक्ट किया, फिर हमने सोचा बाद में खत्म करने के बाद दूसरे और लेते हैं। सो हमने मॉकटेल का ऑर्डर दे दिया और सबसे पहले हमने स्टार्ट किया पानी पूरी से। देन हमने थोड़ा सा स्टार्टर्स भी लेना स्टार्ट कर दिया और सूप वगैरह लिया। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे पेस्ट्री दिख गई तो मैंने वो भी ले ली। हम आ चुके हैं ऊपर अपने टेबल पर, तो आप देख लीजिए मैंने क्या क्या लिया है और मैं दिखाती हूँ आपको करुणा की प्लेट। सो फिलहाल हम इतना ही लेकर आए, उसके बाद ये खत्म करने के बाद फिर से जाएंगे। इसके साथ साथ आपको मल्टीपल पिज्जा के भी ऑप्शन मिलते हैं, वो आपके टेबल पर सर्व करते हैं, जो आप ऑर्डर देते हैं वो ला कर देते हैं। सो मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना पेपी पनीर पिज्ज़ा, इसके साथ साथ मार्गरीटा और थिन क्रस्ट पिज्ज़ा, गार्लिक ब्रेड, ये सारे ऑप्शंस भी है। और ये देखिए हमने क्या देखा, कपल नहीं, वेस्टेज विल बी चार्ज्ड ऑन फुल प्राइस ऑफ द डिश। अब मुझे डर लग रहा है, मैंने सोचा था मैं सब कुछ खाऊंगी, बट अब मुझे लग रहा है मैं थोड़ा थोड़ा ही लेकर आऊंगी। बट ऐसा कुछ नहीं था, हमने देखा काफ़ी सारे लोग छोड़ रहे थे, तो थोड़ा सा तो हम छोड़ ही सकते, वैसे भी मैं वेस्ट नहीं करूंगी। सो हमने मैनेजर से पहले ही बात कर ली थी कि अगर नीचे की टेबल खाली होती तो हमें वहाँ पर शिफ्ट करा दीजिए, तो नीचे एक्चुअली टेबल खाली हो चुकी थी। तो हम नीचे के टेबल पर बैठ गए और यही है वो जगह जहाँ से हम मॉकटेल लेकर आए थे। सो अब हम आ चुके हैं अपना मेन कोर्स लेने, तो मैं आपको सारा कुछ दिखा देती हूँ यहाँ पे क्या क्या है अवेलेबल। सो यहाँ पे आपको कुछ कुछ स्टार्टर्स मिलेंगे, कॉर्न, पनीर, पोटैटो शॉर्ट्स एंड ऑल, बहुत सारे ऑप्शंस थे वैसे, मुझे याद भी नहीं। और यहाँ पे डिज़र्ट है, गुलाब जामुन, हलवा, देन यहाँ पे सैलड के ऑप्शंस है, फ्रूट्स आप देख सकते हैं। देन यहाँ पर डिफरेंट टाइप की पेस्ट्रीज एंड कुकीज़ अवेलेबल है, पॉपकॉर्न भी है बच्चों के लिए। एंड देन ये है सूप सेक्शन जो हम स्टार्टिंग में ले चुके थे, यहाँ पर पानी पूरी, देन सैंडविचेस, एंड उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता है चाइनीज़, इटालियन, पास्ता और क्या क्या है मैं तो याद भी नहीं कर सकती। बहुत सारे टाइप के राइस भी थे, बिरयानी, पुलाव और नॉर्मल राइस, देन सब्जी, इवन साउथ इंडियन भी अवेलेबल था, डोसा, उत्तपम एंड इडली भी थी। वो इधर डोसा वगैरह मिल रहा था बट हमने ट्राई नहीं किया। देन इंडियन ब्रेड्स में आपको तंदूरी नान, बटर नान और कुलचा वगैरह मिल जाएगा, बट हमने लिया नहीं, हम राइस वगैरह ही लेकर आए। और मैं तो एक्चुअली गुलाब जामुन हलवा लेकर आई क्योंकि मैं स्वीट से रेजिस्ट नहीं कर सकती। हमने पिज्ज़ा से अपने डिनर को एंड किया। एंड द लास्ट सेक्शन वॉज आइसक्रीम, सो वहाँ पे हैव मोर की आइसक्रीम्स अवेलेबल थी, ये भी अनलिमिटेड थी, सो ये सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं। सो हमने चॉकलेट और चेरी मेरी का स्कूप लिया, बाद मैंने एक और स्कूप लिया जिसमें चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी मिक्स था, और ये मेरी आउटफिट के साथ मैच कर रहा था, सो मैंने पिक्चर्स भी क्लिक की। 380 रुपीज़ पर हेड में आप मेड फायर नेशन जाइए और आपका बुफे एंजॉय कीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो गाइज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।